वरुण बजाज जी, मैं बहुत माफी के साथ आपको थोड़ा आज इंतजार करा दिया, लेकिन वरुण जी अब आप ये बताइएगा, दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, ये उसके अधिकार में था और तय था कि वो जाएगी, अब ये बैटल जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिल्ली सरकार के लिए क्या बहुत आसान रहने वाली है? हालांकि सेंटर भी पहुंची हुई है सुप्रीम कोर्ट, तो आप ये लीगल बैटल समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, सो आई थिंक लीगली द पोजीशन, इसमें अगर आपको लीगल पोजीशन समझनी पड़ेगी तो आपको 2023 की जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट की अभी जब छुट्टियों से पहले आई उसको समझना बड़ा जरूरी है। उसका पैरा 162 ऑफ दैट जजमेंट इज वेरी क्लियर। इट क्लियरली सेज कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिबेट बड़ी क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इसके रिलेशन टू जो भी पावर्स हैं इन तीन सब्जेक्ट्स को लेके वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है, उसकी कोई डिबेट नहीं है। तो ओनली डिबेट अभी जो चल रही है जो पावर इन रिलेशन टू सर्विसेज है वो किसके केंद्र में आती है। इनफैक्ट पूरे लीगल डिस्प्यूट में आपका पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड क्वेश्चन में नहीं है, वो सेटल्ड पोजीशन है बोथ बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज विद द यूनियन गवर्नमेंट एक्टिंग थ्रू द एलजी। सिर्फ जो लीगल डिबेट ये चल रही है जो सर्विसेज है विच इज द काडर, द ऑफिसर्स, उसकी पावर कहां डेमोन्स्ट्रेट होगी। तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो कैटेगोरिकली कहता है और बड़े कैंडिडली कहता है दैट सर्विसेज की पावर विल बी विद द दिल्ली गवर्नमेंट एक्सेप्ट इन रिलेशन टू द सर्विसेज इन रिलेशन टू पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर, बाकी सारा दिल्ली गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ सो व्हेन दिस जजमेंट वॉज पास्ड छुट्टियों से पहले उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड वो जो ऑर्डिनेंस है वो ये कहता है दैट जो सर्विसेज भी है वो एक कमिटी के थ्रू गवर्न करेगी। इट विल नॉट बी बिकॉज दिल्ली इज नॉट ए नॉर्मल यूनियन टेरिटरी, इट इज ए यूनियन टेरिटरी विद द नेशनल कैपिटल रीजन, देयरफॉर उसकी एक गवर्निंग काउंसिल बनेगी, ऑर्डिनेंस ये कहता है, जिसमें सीएम विल बी देयर एंड टू अदर इंडिविजुअल्स विल बी देयर एंड दे विल मेक द रिकमेंडेशन टू द एलजी एंड एलजी विल डिसाइड। नाउ दिल्ली गवर्नमेंट हैज गॉन अगेंस्ट दिस स्ट्रक्चर टू द सुप्रीम कोर्ट की ये तो फिर बैलेंस ऑफ पावर दोबारा शिफ्ट हो गया एलजी की तरफ एंड देयर बाय आपका ऑर्डर जो हमारी पावर्स है एब्रोगेट हो गई है। तो दे हैव चैलेंज्ड दिस ऑर्डिनेंस इन द सुप्रीम कोर्ट कि ये कमिटी के थ्रू नहीं होएगा, दो एलजी है दे आर बाउंड बाय द लीगल एडवाइस ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट व्हेन दे गिव इन रिलेशन टू सर्विसेज। नाउ आई थिंक ये बैटल सुप्रीम कोर्ट पे जरूर एक क्वेश्चन ऑफ लॉ आएगा दैट सर्विसेज एक्चुअली सर्विसेज एज अ सब्जेक्ट एक चीज आपने कहा एनसीसीएसए यानी कि जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का जिक्र हो रहा है उसमें बेशक से चेयरमैन अध्यादेश में भी मुख्यमंत्री को बना दिया गया, दो अधिकारियों का जिक्र है चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, और मेजोरिटी जो फैसला लेगी उस हिसाब से फैसला माना जाएगा। मान लिया एक अधिकारी, अब मेजोरिटी तो पता चल रही है अधिकारी किसके पास है, ठीक है मुख्यमंत्री को भले ही आप चेयरमैन बना दीजिए, माना एक अधिकारी मुख्यमंत्री का जो फैसला होगा उसे मान भी लेते हैं तो भी उपराज्यपाल चाहें तो उसे प्रभावित कर सकते हैं, अंतिम फैसला तो उपराज्यपाल के पास ही है। तो ये कमेटी बनाने का ना बनाने का कोई मुझे लगता है कि ग्राउंड पर कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि शक्तियां तो फिर भी उपराज्यपाल के पास है, बॉस तो आपने उपराज्यपाल को ही बनाया, लड़ाई है ये कि सुपर पावर जो है उपराज्यपाल के पास ही रहनी चाहिए, यही हुआ ना, तो उस कमेटी का कोई मतलब नहीं है। तो मैं बहुत इजी वर्ड्स में ये समझना चाहूंगी कि क्या ये लड़ाई दिल्ली सरकार के लिए इजी है सुप्रीम कोर्ट में या नहीं? नहीं, ये सी 23 की जजमेंट इनके फेवर में है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट इज एन इजी बैटल फॉर देम इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 105 पेज की जजमेंट पास की है और उन्होंने बोला है कि सर्विसेज की पावर दिल्ली गवर्नमेंट में है, ठीक है। सो ये ऑर्डिनेंस का कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इज ए चैलेंज, बट मैं आपको दूसरा पहलू भी बताना चाहता हूँ कि इसको सेंटर किस तरह से डिफेंड कर रही है। और इसको डिफेंड करना इजी नहीं होगा, पर आपको आप
इसको क्योंकि 105 पन्ने की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ऑन दिस पावर्स डिक्टेट किए हैं अभी एक महीने पहले और एक ऑर्डिनेंस आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चैलेंज डिफेंड इस ग्राउंड पे कर रही है दैट क्योंकि सर्विसेज अंडर एंट्री 41 इज अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका लेमैन मतलब ये होता है कि अगर कंकरेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट हो तो कानून बोथ सेंट्रल और स्टेट बना सकती है. तो वो ये कह रहे हैं दैट जो आपकी पिछली जजमेंट थी वो ये कहती थी कि जब तक कोई कानून ना आए तब तक पावर दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, पर इस ऑर्डिनेंस के द्वारा हम एक कानून ले आए हैं और क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में थी हमारे पास पावर्स हैं एंड इसलिए ये ऑर्डिनेंस वैलिड रहेगा. और ये लॉ पॉइंट अब सुप्रीम कोर्ट में डिबेट होएगा. इट इज गोइंग टू बी ए डिफिकल्ट पोजीशन टू डिफेंड. रीजन बीइंग मेरे हिसाब से अगर आप जजमेंट पढ़ी है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने इसमें भी एक साइड कमेंट दिया हुआ है और उन्होंने काफी डिटेल में जाके पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एनालाइज की है. बट उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का ये लाइन ऑफ लीगल अप्रोच है एंड इट विल बी टेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र भी पहुंची हुई है, उस वाले पहलू पर भी बताइए कि केंद्र केंद्र के लिए फिर ये कितना आसान है. बहुत शॉर्ट में केंद्र केंद्र यही कह रही है कि केंद्र कह रही है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जब तक कानून नहीं बना था कोई सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वैलिड थी. पर एज सेंट्रल गवर्नमेंट मैं सर्विसेज पे लॉ बना सकता हूँ और मैंने अब लॉ बना दिया बाय वर्च्यू ऑफ दिस ऑर्डिनेंस. ठीक है, तो अब अगर मैंने लॉ बना दिया है तो वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवरराइड करेगा. ठीक ठीक है, ठीक है नितिन जी, आपने बहुत अच्छे से समझाई वरुण बजाज जी.